जिंदा रहने के हिसाब से सदर्न ब्राजील कम बेरहम इकोसिस्टम लग सकता है, पर इस पानी वाली दुनिया में हर कहीं शिकारी मंडराते हैं। साउथ ऑफ ब्राजील में है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, पेंटनल के विशाल वेटलैंड्स। गर्मियों में इस पानी की जन्नत में राज रहता है केमन का, पर सर्दियों में जैगवार का पलड़ा भारी हो जाता है। नदियों और वाटरवेज के किनारों वाले जंगल जैगवार की शिकार की पसंदीदा जगह होती हैं। जैगवार अमेरिका की सबसे बड़ी कैट है और इनकी बाइट भी सबसे दमदार होती है। ये किसी मगरमच्छ की मोटी खाल और स्कल को भी भेद सकते हैं। साथ ही ये शिकार को पकड़ने के लिए स्टेल्थ के साथ साथ रफ्तार का भी इस्तेमाल करते हैं। सभी बाकी कैट्स की तरह ये भी मौका परस्त होते हैं। कोई केमन का बच्चा इनके लिए बढ़िया खुराक साबित हो सकता है, पर यहाँ और भी कई सेमी एक्वाटिक शिकार होते हैं। जायंट रिवर ऑटर्स की फैमिलीज का शिकार करते हैं साउथ अमेरिका के एलिगेटर केमन, पर ये स्मार्ट होते हैं और कम दिखते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट कैपिबारा भरपेट खुराक साबित होता है। पर कैपिबारा जमीन के मुकाबले पानी में ज्यादा सुरक्षित रहता है। इसके पंजे थोड़े झिल्लीदार होते हैं और नथुने सिर के ऊपर होते हैं, तो ये पानी में करीब करीब डूबे रहकर शिकारियों पर नजर रखते हैं, चाहे वो कहीं से भी आ जाएं। पर कभी ना कभी तो इन्हें भी किनारे पर लौटना ही होता है। इन्हें खुद को सुखाना होता है। अपनी वायरी फर की वजह से नम हवा में भी इनकी नमी जल्दी भाप बनकर उड़ जाती है और यही बात इन्हें खतरे में डालती है। जैगवार इन किनारों के आसपास शिकार करता है। यहाँ के मोड़ों पर ये अपने पसंदीदा शिकार का पीछा करता है। कैपिबारा की एक फैमिली धूप सेक रही है। उसे नहीं पता कि जैगवार ने देख लिया है, पर वो सही मौके का धीरज से इंतजार कर रहा है। अगर कैपिबार पहले नदी तक पहुंच गया तो शिकार नाकाम हो जाएगा। बात कुछ बनी नहीं, पर जैगवार निराश नहीं होता और अपनी खोज जारी रखता है। इस बार इसका प्लान है किसी एक कैपिबारा को चुनना। ये पास है और रोडेंट ने इसे देखा नहीं है। ये हमला कर देता है।